सबसे पहले जब हम न्यूरोथेरेपी को कोर्स को कर रहे हैं तो हर एक न्यूरोथेरेपिस्ट की और न्यूरोथेरेपिस्ट बनने से पहले की कहानी में एक थेरेपिस्ट और न्यूरोथेरेपिस्ट को कुछ बातें ध्यान रखनी चाहिए और वो उसको तब तक ध्यान रखनी है जब तक वो न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यानी कि जिस दिन न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करी तब से जब तक न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस करेगा तब तक ये इस टाइम पीरियड में ये 5 पॉइंट हमें हमेशा ध्यान रखने चाहिए। हमारी जिम्मेदारी भी है और नैतिकता भी है दोनों में, यानी कि हमें करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का मतलब इसको निभाना ही चाहिए। नैतिकता इसलिए कि ये अपने आप होना चाहिए, किसी के दबाव में नहीं होना चाहिए। नैतिकता किसी दबाव में नहीं होती, ये हमारे अंदर से इंटरनल फीलिंग है। मैं ट्रीटमेंट देता हूँ तो मुझे कोई देख थोड़ी रहा है, मुझे कोई टोकेगा थोड़ी, मुझे कोई बोलेगा थोड़ी, अगर मैं गलत भी दूंगा, लेकिन मेरी नैतिकता ये कहती है कि जब मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो प्रॉपर तरीके से ही देना चाहिए। 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड देना चाहिए, ना पेशेंट को पता है ना कोई और मुझे टोकेगा, खासतौर से मेरे लिए तो। लेकिन फिर भी जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो हमारी नैतिकता ये कहती है कि हमें उन सब रूल एंड रेगुलेशन का पालन करना चाहिए जो हमने कोर्स के दौरान सीखे हैं और जिसकी वजह से न्यूरोथेरेपी टिकी हुई है, है ना। तो आज हम उन 5 पॉइंटों को ध्यान करेंगे जो हम न्यूरोथेरेपी की शुरुआत करते समय और तब तक न्यूरोथेरेपी कर रहे हैं जब तक हमें इन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब भी हम किसी भी सेंटर पर फिजिकली सीख रहे हैं या किसी सेंटर को संभाल रहे हैं तो हमें अभ्यास होना चाहिए, हमें ये प्रयास करना चाहिए जो भी आपका समय है वहाँ पर उस समय से पूर्व पहुँचना चाहिए, है ना। जो भी आपका समय है, आपको 9 बजे पहुंचना है, 10 बजे पहुंचना है, फॉर एग्जांपल आपके सेंटर का समय 9 बजे का है कि बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि ये सेंटर 9 बजे से लेकर 7 बजे तक खुलता है, तो ये टाइमिंग किसके लिए लिखा है? ये पेशेंट के लिए टाइमिंग है, ये आपके लिए टाइमिंग नहीं है। आपका टाइम तो आधे घंटे पहले का है जो लिखा ही नहीं है उसमें, और उसके बाद का आधे घंटे बाद तक का टाइम है जो वो भी नहीं लिखा है। तो जो टाइमिंग लिखा गया है वो आपके लिए नहीं है, वो पेशेंट के लिए है कि भाई 9 बजे से 7 बजे तक वो आ सकता है, लेकिन उससे पहले हम अपनी दुकानदारी तो सेट कर लें, हम अपने आप को प्रॉपर तरीके से बैठना सेटअप तो कर लें कि पेशेंट आए और हम ही खुद उसके सामने झाड़ू लगा रहे हैं, हम ही खुद साफ कर रहे हैं, हम ही टेबल साफ कर रहे हैं, तो उसके लिए तो पहले अपने आप को तो प्रिपेयर कर लें, है ना। और उसके बाद में जब वो चला जाएगा 7 बजे भी पेशेंट चला जाएगा, फिर उसके बाद में अपना सेटअप वाइंड अप करें, है ना। और वाइंड अप करने में वो लेट का टाइम हो सकता है, बाद का टाइम हो सकता है, तो हमारी आदत न केवल सेंटर की, पेशेंट को देखने भी आप जा रहे हैं तो कोशिश करें कि वहाँ पर पेशेंट को जो टाइम दिया है उससे पहले ही पहुँचें कि हमारी वजह से किसी का आगे का रूटीन ख़राब ना हो। तो ये तब तक आप प्रैक्टिस करें, इस चीज़ को ध्यान रखें जब तक आप न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। दूसरा, आप जिस सेंटर में जा रहे हैं, आप जिस सेंटर में प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको केवल इंस्टीट्यूट ना समझें, उसे अपना ही इंस्टीट्यूट समझें। भाई ये मेरा है, हमने यहाँ पर उस तरीके के संस्कार डेवलप करें, अपने अंदर भी करें कि यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है। तो यहाँ की स्वच्छता, यहाँ पर जो भी सामान रखा है, चाहे वो तकिए हैं, यहाँ चादर है, यहाँ आपका योगा मैट है, पाउडर है, जो भी ट्रीटमेंट के दौरान यूज होने वाली चीज़ें, अभी आप ट्रीटमेंट नहीं दे रहे तो प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से रख कर जाना है और वो रखना भी चाहिए, है ना। अब इसका मतलब ये नहीं कि भाई मैंने तो ऐसा लिया ही नहीं था, मुझे तो इधर उधर पड़ा हुआ मिला था तो मैंने भी इधर उधर पड़ा छोड़ दिया, नहीं। तो आपकी नैतिकता फिर गलत है, आपको जैसा भी मिला, जिसने भी गलती करी वो उसकी गलती है, लेकिन आप उस गलती को अगर दोहरा रहे हैं तो फिर आपकी गलती है, है ना, और वो गलती 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 आगे बढ़ती चली आ रही है। तो हमारी जिम्मेदारी है कि जहाँ पर भी हम न्यूरोथेरेपी की प्रैक्टिस कर रहे हैं, चाहे वो अपना सेंटर हो, चाहे आप इन फ्यूचर में अपना सेंटर चलाएंगे, और जहाँ आप सीख रहे हैं वहाँ पर भी जितनी भी चीज़ें हैं वो व्यवस्थित रूप में होनी चाहिए।
अगर आपको लगता है कि इधर उधर पड़ी हुई है तो उसे ठीक कर सकते हैं। तो स्वच्छता और जितनी भी क्लिनिक में रखने योग्य चीज़ें हैं, जो भी चीज़ें हैं ट्रीटमेंट के दौरान, जो भी प्रैक्टिस के दौरान जो भी चीज़ें हैं, उन सब की देखभाल करना भी आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आपको मौका मिले ट्रीटमेंट देने का, तो ट्रीटमेंट देते समय या प्रैक्टिस करते समय, क्योंकि प्रैक्टिस आप किसी दूसरे पर कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस करते समय या ट्रीटमेंट देते समय हमें ध्यान रखना है कि हमें उस व्यक्ति से जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे बातचीत नहीं करनी है। यानी कि ट्रीटमेंट देते समय ना तो मरीज से बात करनी है, ना ही जिसको ऊपर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उससे बात करनी है। उसका बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि हमारे जितने भी पॉइंट हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं, सबकी काउंटिंग फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है। इसके बाद ये पॉइंट देना है, इसके बाद ये पॉइंट देना है, इसके बाद ये पॉइंट देना है, सब फिक्स है। और कितनी देर देना है, कितनी बार देना है, ये भी फिक्स है। 8 पेन देना तो 8 बार ही देना है, उसमें आप 9 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते। 8 का मतलब 8 ही देना है, 6 सेकंड का मतलब 6 सेकंड ही प्रेस करना है, 7 सेकंड नहीं करना, 6 सेकंड करना है, 5 सेकंड नहीं करना। तो जो टाइमिंग है वो ही आपने देनी है। अगर आप उसे ज़्यादा देंगे, उससे कम देंगे तो क्या होगा, नुकसान नहीं है लेकिन फ़ायदा भी नहीं है, फायदा भी नहीं है, है ना। जो आप फायदा ट्रीटमेंट देना चाह रहे हैं, जिस पर्पज से देना चाह रहे हैं, वो पर्पज सॉल्व नहीं होगा। तो ट्रीटमेंट देते समय हमें पेशेंट से बातचीत नहीं करनी है। ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव भाव को भी समझना है, ना केवल पेशेंट के हाव भाव को समझना है, जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसके भी हाव भाव को समझना है। वो मजबूरी में ऐसा नहीं है कि वो लेटा हुआ चुपचाप लेटा हुआ बेचारा जो बोल ही नहीं रहा, क्योंकि वो आप उसकी प्रैक्टिस करा रहे हैं और फिर उसे भी आपके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, है ना। तो आप नहीं बोलेंगे तो वो भी नहीं बोलेगा, और वो भी नहीं बोलेगा तो आप भी नहीं बोल रहे। तो ऐसा नहीं कि मैं इसलिए नहीं बोल रहा कहीं उसे बुरा ना लग जाए, मैं इसलिए नहीं बोल रहा कल को मुझे भी तो उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, तो ऐसा नहीं है। तो ट्रीटमेंट देते समय हमें पेशेंट के हाव भाव को समझना है कि क्योंकि ये प्रेशर पॉइंट थेरेपी है, प्रेशर जाता है, प्रेशर पड़ता है, दबाव है, और दबाव से दर्द हो सकता है, स्वाभाविक है। ऐसा तो नहीं है कि भाई ये कोई गलत है कि दर्द हो, लेकिन उस दर्द को समझना है, दर्द की कल्पना को देखना है। अगर उसको दर्द हो रहा है तो अपना वेट कम कर लो, अगर उसको दर्द हो रहा है तो अपनी चेयर की सेटिंग ठीक करो। तो चेयर की सेटिंग, आपका बैलेंस आपको दर्द, उसको दर्द से बचा सकता है। यानी कि जहां अपने अंदर सुधार कर कर हम अच्छा ट्रीटमेंट दे सकते हैं, हमें करना है तो ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट के हाव भाव को समझना है कि कहीं मेरे प्रेशर से उसको दर्द तो नहीं हो रहा। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। और ट्रीटमेंट देते समय समय का विशेष ध्यान रखना है कि 6 सेकंड का प्रेशर है तो 6 सेकंड ही देना है, 7 सेकंड का प्रेशर है तो 7 सेकंड ही देना है, कहीं 20 सेकंड का भी प्रेशर है, कहीं 40 सेकंड का भी प्रेशर है, कहीं 60 सेकंड का भी प्रेशर है, कहीं 3 सेकंड का भी प्रेशर है, कहीं 2 सेकंड का भी प्रेशर है, तो जो है उसको आपने कंप्लीट करना है, उसमें अपनी तरफ से बदलाव नहीं करना है, है ना। एक्सपेरिमेंट नहीं करना, एक्सपेरिमेंट तब करेंगे जब आप न्यूरोथेरेपी में कम से कम 5 साल लगा देंगे, है ना। आप न्यूरोथेरेपिस्ट बन जाएंगे, 5 साल आपने प्रैक्टिस करी है और 5 साल के बाद आपको उस लेवल पर पहुंच जाते हैं जब आप लगातार लगातार पेशेंट देख रहे होते हैं, तब आपको लगता है कि यार ये इसके बजाय हमें ये दे सकते थे। तो वो आपका एक अनुभव है, वो 5 साल का अनुभव बोल रहा है, वो आपका दिमाग नहीं कि हमें खुरापाती दिमाग नहीं है, वो आपका अनुभव वाला दिमाग है। और अभी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये खुरापाती दिमाग है कि नहीं ये गुरुजी ने क्यों करा, मैं तो ये करके देखता हूँ, गुरुजी ने ऐसे क्यों करा, मैं तो ये करके देखता हूँ। तो ये अनुभव तो है ही नहीं ना आपको, अभी तो आपने चलना नहीं सीखा है, तो दौड़ कैसे सकते हैं, दौड़ वही सकता है जो वॉक कर सकता है, है ना। तो पहले पहले धीरे धीरे बैलेंस बनाना है, फिर चलना है, फिर चलने के बाद में थोड़ा और तेज चलना है, फिर दौड़ना है। तो वो दौड़ने तक की कहानी 5 साल के एक्सपीरियंस की है कि आप न्यूरोथेरेपिस्ट बने, पेशेंट देखें, और बदलाव करना कोई गलत बात नहीं है, है ना। बदलाव होना चाहिए, कुछ नई चीज़ों को एड ऑन करना चाहिए, कुछ आपको लगता है कि आगे पीछे हम कर सकते हैं तो करना चाहिए, लेकिन उस एक्सपीरियंस के बाद ही करना चाहिए।
तो 5 साल का अनुभव है, जो हम कहते हैं कि भी 5 साल जब आप लगाते हैं किसी भी फील्ड में तो उसकी छोटी छोटी बारीकियां आपको समझ आने लगती हैं। तो इन 5 चीज़ों का, इन 5 स्टेटमेंट का आपको ध्यान रखना है, तब जाकर आप एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बन सकते हैं, है ना। और हम आगे भी देखेंगे कि एक अच्छे न्यूरोथेरेपिस्ट बनने के लिए और क्या क्वालिटी चाहिए। अभी तो हमें न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करने के लिए ये 5 चीज़ें अपने अंतर मन में उतार लेनी चाहिए। पहला कि हमें जहाँ पर भी समय है, जहाँ पर भी हमारी ड्यूटी है, जहाँ पर भी हमारे को जाना है, वहाँ पर हमें हमेशा समय से पूर्व पहुँचना चाहिए। दूसरा, हमें ये ध्यान करना है कि जहाँ हम हैं वहाँ आसपास सारी चीज़ें व्यवस्थित होनी चाहिए, ये लगना चाहिए, ये आपको दिखना चाहिए या बाकी के लोगों को भी लगना चाहिए। ये बहुत सारी चीज़ें अपने आप मेंशन करता है, बहुत सारी चीज़ों को बैलेंस करता है। तीसरा, आपको बताया कि ट्रीटमेंट देते समय पर हमें पेशेंट के हाव भाव को भी समझना है, है ना, कि उसको आपके प्रेशर से दर्द तो नहीं हो रहा है। और चौथी चीज़ जो है कि ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट से बातचीत नहीं करनी है, पेशेंट से बातचीत नहीं करनी, क्योंकि हमारा ट्रीटमेंट बिल्कुल काउंटिंग फिक्स है, सीक्वेंस फिक्स है। अगर हम बातचीत करेंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत या ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि आप काउंटिंग भी करें और बातचीत भी करें। अभी तक तो ऐसी कोई शक्ति डेवलप नहीं हुई है, धीरे धीरे आप तपस्या करके डेवलप कर लें, अलग बात है कि डेली 4 बजे उठें और फिर तपस्या करें कि मैं बात भी करता रहूँ और दिमाग में टाइमिंग भी चलती रहे, तो वो बहुत लंबी कहानी है। उसके लिए पहले तपस्या करनी पड़ेगी, है ना, कि भाई मैं बातचीत भी करूँ और टाइमिंग भी 6 सेकेंड हो जाएगा तो मुझे पता लग जाएगा, है ना, वो बहुत आगे की कहानी है। तो अभी तो लर्निंग प्रोसेस में है। तो हमें ट्रीटमेंट देते समय पेशेंट से या जिस पर भी दे रहे हैं, घर में परिवार में, जरूरी नहीं है कि पेशेंट ही हो, आपका पेशेंट परफेक्ट हो तो उसके लिए आपकी काउंटिंग ठीक हो। और 5वीं चीज़ कि ट्रीटमेंट देते समय हमें ये ध्यान करना है, समय का विशेष ध्यान रखना है। तो पेशेंट के हाव भाव को समझना है, पेशेंट के ध्यान रखना है। तो ये 5 चीज़ें आप ध्यान करेंगे, कब से ध्यान करना है, आज से, अभी से। क्यों? क्योंकि हमने न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस जब से शुरू करनी है और जब तक करनी है, 50 साल करेंगे, 10 साल करेंगे, 20 साल करेंगे, मैं तो सीनियर हो गया, मुझे काउंट करने की क्या जरूरत है? ऐसा तो गुरुजी ने कहीं नहीं लिखा कि जो सीनियर है उसका ट्रीटमेंट 3 सेकंड का भी हो सकता है, 6 सेकंड का भी हो सकता है। कोई थेरेपिस्ट मेरे, कोई पेशेंट मेरे पास आए, बोले सर वहाँ तो 3 सेकंड का ट्रीटमेंट देते हैं, वो पैंक्रियाज भी 3 सेकंड का ही देते हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, ठीक है, अपना अनुभव है, लेकिन कहीं गुरुजी ने लिखा तो नहीं है कि सीनियर के लिए गलती माफ़ है। भाई अगर हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो ट्रीटमेंट तो ट्रीटमेंट ही है, तो हमें भी उन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। हाँ, फिजिकल ट्रीटमेंट देते समय जहाँ हम बात करें कि 15 से 16 बार आप रब कर सकते हैं, तो 15 भी कर सकते हैं, 16 भी कर सकते हैं, 17 भी कर सकते हैं। तो फिजिकल ट्रीटमेंट देते समय आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्योंकि वो फिजिकल ट्रीटमेंट है। उससे ना तो कोई केमिकल बनेगा, ना हार्मोन बनेंगे, ना एंजाइम बनेगा, ना कुछ और बनेगा, उससे तो आप बॉडी को रिलैक्स कर रहे हैं। तो जो भी आपका बात करने का है या कुछ भी है, तो 15-16 बार जब बात होती है कि फिजिकल ट्रीटमेंट देते समय आप अप डाउन कर सकते हैं, क्योंकि वो केवल और केवल मसल्स को रिलैक्सेशन टेक्निक है, यानी कि मसल्स को रिलैक्स करने का तरीका है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान करेंगे, ऐसी उम्मीद करता हूँ, है ना, और तब तक करेंगे जब तक आप न्यूरोथेरेपी प्रैक्टिस करते हैं।